जो अब तक कपिल शर्मा की हालत को लेकर चिंता में थी, जो अब तक कपिल की मानसिक हालत पर उन्हें आराम करने की सलाह दे रही थी, वही प्रीति सिमोस अब कपिल की खराब तबीयत पर सवाल खड़े कर रही है। अब तक जब सब लोगों ने सलाह दी कपिल को कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, कहीं घूमने जाओ, अब जब कपिल घूमने गए तो प्रीति कहती है कि तबीयत खराब है तो घूमने कैसे चले गए। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक, आपने लॉग इन किया है फिल्मी बीट। कपिल शर्मा का ऑडियो लीक होने के बाद उनकी और उनकी एक्स गर्लफ्रेंड प्रीति सिमोस के बीच आरोपों का सिलसिला शुरू हो गया। कपिल ने प्रीति के खिलाफ ओशीवरा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करवाया। इसके बाद प्रीति ने अपनी सफाई दी, पर प्रीति ने कपिल की तबीयत पर सवाल उठा दिए। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान बताया है कि कपिल शर्मा कहते हैं कि वो डिप्रेशन में है, दूसरी तरफ वो ट्रैवल कर रहे हैं, यदि वो बीमार हैं तो ट्रैवल कैसे कर रहे हैं। जी हाँ, एक बार फिर से सुनिए प्रीति ने क्या कहा। प्रीति कहती हैं कि कपिल शर्मा डिप्रेशन में भी हैं, दूसरी तरफ वो ट्रैवल कर रहे हैं, यदि वो बीमार हैं तो ट्रैवल कैसे कर रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने अली असगर के बयान की सफाई देनी शुरू कर दी। जब अली असगर ने कहा कि कपिल ने अपने हाथ पर प्रीति सिमोस का नाम लिखा है, वो काफी बीमार हैं, और इन सारी चीजों का खंडन कपिल शर्मा ने किया था कि मेरी हाथ पे प्रीति का नाम नहीं है, अली से ये उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा करेंगे। पर अब प्रीति कहती है कि क्या अली भाई झूठ बोल रहे हैं, उनका इरादा गलत नहीं था। पर सबसे चौंकाने वाली बात तो यही है कि प्रीति सिमोस लगातार ये कहती रहे कि कपिल शर्मा को आराम करने की जरूरत है, कपिल बीमार चल रहे हैं, उन्हें अपने लोगों के साथ वक्त बिताना चाहिए, कहीं घूमने जाना चाहिए। लेकिन अब अपने बचाव की बात करते करते प्रीति सिमोस ने कह दिया कि यदि कपिल डिप्रेशन में है तो ट्रैवल कैसे कर रहे हैं, वो घूमने कैसे चले गए हैं, बीमार हैं तो ट्रैवल करना पॉसिबल कैसे है। अब कहीं ना कहीं प्रीति सिमोस का ये बयान चौंकाता भी है, क्योंकि अब तक जितने भी लोगों ने कपिल को सलाह दी उन्होंने यही कहा कि कपिल को कहीं घूम कर आना चाहिए, उन्हें इन चीजों से दूर कहीं आराम से वक्त बिताना चाहिए। बहरहाल आपको फिर से बताते चले कि कपिल शर्मा ने प्रीति सिमोस, उनकी बहन नीति सिमोस और एंटरटेनमेंट पोर्टल के एक एडिटर के खिलाफ मामला दर्ज करवाया और कहा कि मेरी बुरी हालत की जिम्मेदार यही है, इन लोगों से मुझे धोखा मिला है। और इन्हीं चीजों पर वापस प्रीति भड़की और उन्होंने कई सारी चीजों के बीच कह दिया कि तबीयत खराब है, डिप्रेशन में है तो घूम क्यों रहे हैं, ये पॉसिबल कैसे है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।